माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें यानी कि इस चैप्टर में जो है मेन कंसेप्ट क्या होता है कि जो कोई पार्टनर है, मान लो कि कोई भी एक पार्टनर है, वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। एक फॉर्म के अंदर मान लो तीन चार जो पर्सन है वो काम कर रहे हैं, तीन चार आदमी काम कर रहे हैं, और उसमें से मान लो कि एक को लगता है कि एक का या तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या उसको लगता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती तो मुझे अब काम नहीं करना चाहिए, तो वो किसी भी रीजन से ना वो फॉर्म को छोड़ के चला जाता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया, एक रिटर्न में नोटिस देके गया होगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि अब वो यानी कि पर्सन क्या हो रहा है, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो पर्सन क्या हो गया, रिटायरमेंट उसने ले ली। अब या फिर एक केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे तीन चार लोग काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब वो तो चला ही गया ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें ये दो केसेस जो है आ जाते हैं। अब इन दोनों केसेस में से अगर कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है कि जो हमारा पुराने वाला एग्रीमेंट होता है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नए पार्टनर के साथ जो है बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, तो जो नया एग्रीमेंट बनेगा यानी कि पुराने वाला खत्म हो गया, नए वाला स्टार्ट होगा, नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो इस तरीके से नया एग्रीमेंट बनेगा। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट मीन्स वन और मोर पार्टनर्स में लीव द फर्म, यानी रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि एक या एक से जो ज्यादा पार्टनर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। लीव का मतलब क्या है, छोड़कर जाना, एंड इट इज द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जो पुराने वाला एग्रीमेंट है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। बिटवीन द पार्टनर यानी कि वन ऑफ द वे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका। अभी अभी मैंने बताया ना कि यहाँ भी पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म, नए वाला स्टार्ट, बट इट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द बिजनेस। अब ये थोड़ी है कि यहाँ पे पार्टनर ही तो गया है, कोई बिजनेस थोड़ी खत्म हो गया, एक पार्टनर के जाने से या दो पार्टनर के जाने से बिजनेस खत्म नहीं होता, बिजनेस तो एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब देखो कि जो पार्टनर जा रहा है वो क्या लेगा, अब उसने इतने टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, उसकी भी कुछ रेपुटेशन बन गई होगी, तो वो गुडविल में से हिस्सा लेगा, उसके जितने टाइम उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो जितने उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह है, रिजर्व वगैरह है, उन सभी में से वो क्या लेगा, हिस्सा लेगा, ठीक है। और भी अगर किसी भी तरीके का लॉस है तो वो उसको देना पड़ेगा, अगर उसको कुछ भी तरीके से कहीं से भी कोई बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हम तब तक का निकाल लेंगे जब तक कि वो उसकी रिटायरमेंट वगैरह नहीं हो जाती है, डेथ वगैरह नहीं हो जाती तब तक हमने निकाल लिया, तो अगर उसे प्रॉफिट होता है तो हम उसमें भी उसको देना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ जाता है, क्रेडिट करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं अगर उसके अकाउंट में कुछ जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किस तरीके के एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके पास वन बाय वन आएंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। अभी जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो पुराने वाले पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, अपने हिस्से में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, तो उसका भी हिस्सा फ्यूचर में किनको मिलेगा, बाकी बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा, यानी कि बढ़ के मिलेगा ना उनको हिस्सा, तो उनको क्या होता है, गेन, गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। आगे क्या है कि गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, अब उसने अपने टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, गुडविल बनाने में अपना हिस्सा जो है उसने दिया था, तो अब वो अपना हिस्सा भी तो मांगेगा गुडविल में से, और क्या करेंगे, उसके रहते हुए का जितना भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है या रिजर्व है वो सब उसको दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकाली जाएंगी कि कितने टाइम पीरियड तक हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, और क्या है इसमें प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट होगी, ठीक है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहां तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसके अंदर निकालना सीखेंगे। इस वीडियो सेशन में हम निकालना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो हम जो है नई रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर टू केसेस होते हैं, पहला केस तो क्या है कि हमें इफ द न्यू PSR इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं गिवन है, देन इट इज एज्यूम दैट, तो ये माना जाता है द रिमेनिंग
पार्टनर, यानी कि अब देखो जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसको छोड़ के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बचे हुए पार्टनर है विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, वो अपने ओल्ड रेशियो में ही अपना प्रॉफिट और लॉस जो है शेयर करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है PQR वर पार्टनर्स। PQR हमारे पास तीन पार्टनर है फॉर्म के अंदर, वो अपना प्रॉफिट्स और लॉस जो है किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 5:3:1। ठीक है, 5:3:1, यानी कि पहली किसकी है पी की, अगली किसकी है क्यू की, अगली किसकी है आर की। अब आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ पी रिटायर, अगर मान लो पी रिटायर हो जाता है, अगर पी रिटायर हो गया तो इसको कैंसिल कर दो, तो इनकी बची क्या 3:1। अगर मान लो क्यू रिटायर हो जाता है तो अब यानी कि ये रिटायर हो गया ना पी क्यू आर, हमारे पास ये तीन है 5:3:1। अगले केस में क्या बताया कि अगर कौन रिटायर हो गया, क्यू रिटायर हो गया, तो इसको क्रॉस कर दो तो इनकी रेशियो क्या बची 5:1। अगर आर रिटायर हो गया, अगर आर रिटायर हो गया तो देखो ये हमारी पी की है, ये क्यू की है, ये आर की, इसको छोड़ दो बाकी ये ले लो 5:3। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देंगे। अगर आपको जो है फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप कैसे करोगे इसको, एबीसी हमारी फॉर्म में तीन पार्टनर है जो की प्रॉफिट और लॉस जो है अपना इस रेशियो में शेयर कर रहे हैं 1/2, 1/3 और 1/6। तो अब आपको क्या निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है अगर बी रिटायर हो रहा है। तो अब देखो पहले तो ये फ्रैक्शन जो है, पहले तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3:2:1 आ गई। ठीक है, तो 3:2:1 यानी कि ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। ठीक है, अब देखो कि जा कौन रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, यानी कि इसको छोड़ दो। ठीक है, तो बाकी किसकी बच गई, ए और सी की बच गई 3:1। तो अगर मान लो बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो जो है ए और सी की वो कितनी होगी 3:1। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम इसका केस नंबर सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे पास जो केस नंबर सेकंड है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर, उससे वो कुछ फ्रैक्शन में, कुछ स्पेशल आपको फ्रैक्शन जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो मतलब उसमें वो किसी फ्रैक्शन में आपसे क्या लेंगे, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपसे लेंगे, यानी किससे लेंगे, जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर। अब देखो इफ द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन सब स्पेसिफाइड फ्रैक्शन, ठीक है, अगर मान लो फ्रैक्शन में वो लेते हैं तो जो उनका एक तो हिस्सा जो उनको मिल रहा है, ठीक है, वो और अब जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर उससे भी वो हिस्सा ले रहे हैं तो वो ऐड कर देंगे। अब मान लो कि पहले आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और एक नए मतलब एक पुराना पार्टनर जो है वो छोड़ के आपके ऑर्गेनाइजेशन चला गया है, आपको उसके जाने से 5 रुपए को और बेनिफिट हो गया, ठीक है, 5 रुपीज को और बेनिफिट हो गया, अब आपको कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे ना, तो आपने क्या करना है, तो जो मतलब आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपको अपनी पुरानी वाली जो रेशो है उसमें ऐड कर दो, ठीक है, अब आपको उतना मिलेगा। अब आगे इसमें क्वेश्चन बताया हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, अब ए बी सी हमारी फॉर्म में तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, उनकी रेशियो क्या है 5:4:3, यानी कि ये ए की रेशियो है, ये बी की रेशियो है और ये सी की रेशियो है। ठीक है, आगे क्या है, कौन रिटायर हो रहा है, बी, बी जो है वो रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली, इक्वली का मतलब क्या है, इक्वली कौन कौन लेंगे, जो उसका हिस्सा है, किसका हिस्सा, जो बी का हिस्सा है वो इक्वली कौन लेंगे, ए भी लेगा और सी भी लेगा, यानी कि दो पार्टनर आपका हिस्सा लेंगे, दो पार्टनर है तो रेशो क्या हो जाएगी 1:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी, आपको ए और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है क्योंकि बी तो जो है वो चला गया, अब बी का जो शेयर है वो डिवाइड होगा किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में, किस रेशो में, मैंने आपको बताया कि वो इक्वली लेंगे, तो दो पार्टनर है तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे 1:1। अब ए कितना मतलब गेन करेगा, अब जो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा कितना है, अब यहाँ पे 5:4:3, अब ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, बी का किस्सा कितना हिस्सा है यहाँ पे 4, अब 4/ यहाँ पे तो 12 भी लिखा है नीचे, तो यहाँ पे 12 कहाँ से आ गया, 5+4+3, यानी कि इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12, तो मतलब बी के हिस्से का वो कितना लेगा, इक्वली लेगा, इक्वली का मतलब यहाँ पे 1/2 कैसे आ गए, यहाँ पे तो 1:1 लिखा था, 1+1, ठीक है, 1/2 हो गया ना, तो यानी कि इक्वली कौन लेगा, जो ए लेगा, अगर ए ने लिया तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 4 और 2 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करी 24, तो अगर हम इसको कट करते हैं तो 2/12 हमारे पास आ जाता है।
अब देखो कि अब इसको ना इतना हिस्सा और एक्स्ट्रा मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को, ठीक है। तो जो ए को जो पुराना हिस्सा मिल रहा था, ए को पुराना कितना मिल रहा था, ए की रेशियो क्या थी, अब यहाँ पे 5/12 कैसे आ गया, अब यहाँ पे 5 को यहाँ पे लिखा हुआ, 12 कहाँ से आया, इन सभी का टोटल कर देंगे। 5/12 तो उसको पहले ही मिल रहा था, 2/12 उसको अब मिलने लग गया। यहाँ पे मैंने 1/6 इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि कट तो ही आगे भी जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो। समझ आ गई बात। आगे 5+2 कितना हो गया, 7/12। तो ये तो है ए का हिस्सा। अब आगे जो है किसकी निकालनी थी, सी की। तो सी कितना गेन करेगा, पहले तो गेन का निकालना है ना, इक्वली लेगा वो किसके हिस्से का, बी के हिस्से का। बी का हिस्सा कितना था, 4/12, यानी कि ये वाला केस तो आपका बिल्कुल सेम है। अब ये सी का जो शेयर है आपको नया शेयर निकालना है, तो जो सी का पुराना शेयर है, पुराना शेयर इसका कितना हो जाएगा, 3/12, ठीक है। और उसको नया वाला शेयर कितना मिलेगा, 2/12। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी की कितनी है, 7/12:5/12। हम इसको लिख सकते हैं 7:5, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है। तो यहां तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम जो है गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे गेनिंग रेशियो के बारे में। अब गेनिंग रेशियो क्या है, अब देखो कि जो पार्टनर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर उनको तो फायदा होता है ना, अभी चलो जाना है तो जाओ, हमारा तो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो तो बढ़ेगा, ठीक है। तो उनका जो प्रॉफिट जो पहले उनको मिल रहा था, अब उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो उस रेशियो को क्या कहते हैं, जिस रेशियो में उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो क्या होती है, उनकी गेनिंग रेशियो। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कि जो हमारी नई रेशियो हमें मिल रही है उसमें से हम पुराने वाला जो हिस्सा है वो माइनस कर देंगे तो हमारी नई रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन देखिए पहले तो गेनिंग रेशियो की। इट इज अ रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर, कि जो पर्सन जो है, जो पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, उसका शेयर जो है इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। अब उसका जो बचा हुआ जो शेयर है जो उसको मिल रहा था, अब वो बाकी पार्टनर जो वो आपस में मतलब बांट लेंगे आपस में, ठीक है। मैंने आपको केस वन और केस सेकंड में बताया कि आप क्यों किस तरीके से बांटती है। इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी सी हमारे पास तीन पार्टनर थे, तो अब इसमें जो है वो 4:3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। आगे क्या है, बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो ए और सी ने डिसाइड किया कि चलो उसको जाना है तो वो जाए, हम अपना फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो 5:4 में आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो ओल्ड रेशियो है वो कौन सी है, ये वाली है ओल्ड, और ये वाली क्या है, न्यू है, ठीक है। अब ये वाली तो ए बी सी की थी, ये वाली किसकी है, ए और सी की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ओल्ड रेशियो 4:3:2 है, न्यू रेशियो 5:4 है। फॉर्मूला हमें पता ही है, न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे। तो ए की गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ए का जो नया हिस्सा है न्यू रेशियो क्या है, वो 5/9 है। 5/9 कैसे आया, 5+4 जो है वो कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखा, नीचे क्या लिखा, टोटल लिखा 9, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन कर देंगे, माइनस है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ओल्ड रेशियो जो है माइनस करते हैं। ओल्ड क्या है इसकी, ए की 4/9। 4/9 कैसे आ गया, 4+3+2, ठीक है। 4+3 7 होते, 7+2 9, तो 4/9 आ गया। तो इसका जो है गेनिंग रेशियो की कितनी आ गई, 1/9। आगे किसकी है, सी की गेनिंग रेशियो कितनी है, क्योंकि ये ए की थी और सी की थी, तो सी की कितनी हुई, 4/9। -2/9 कहाँ से आ गया, अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 3/9 लिख दोगे, नहीं, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। बी तो रिटायर ही हो गया ना, तो 4/9 तो हमने किसकी लिखी थी, ए की, और सी की कितनी लिखेंगे, 2/9, क्योंकि यहाँ पे 2/9 इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड में तो हमारा बी भी इंक्लूड है ना, तो इसलिए हमने इन तीनों को ही ऐड कर दिया नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस किया, हमारा कितना आंसर आया, 2/9। तो गेनिंग रेशियो कितनी है हमारे पास, 1/9:2/9। हम इसको लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 1:2, ये हमारी गेनिंग रेशियो आ गई। तो फटाफट यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो में जो डिफरेंस है छोटा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, गेनिंग रेशियो के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो कि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको अपने हिस्से में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नहीं। अब कहां तो पहले दो लोग अपने प्रॉफिट और लॉस आपस में बांट रहे थे, कहां तो उनको आधा आधा मिल रहा था। अब जो है तीसरा और पार्टनर आ गया तो उसको भी तो कुछ हिस्सा देना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनका कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मान लो कि जो पहले जो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स थे, 90 रुपीज का अगर उनको प्रॉफिट होता था तो वो 45 और 45 में डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, अब दो की जगह अब एक और पार्टनर आ गया, अब तीन पार्टनर हो गए, अब इस 90 के तीन हिस्से होंगे ना, अब उनको 30 रुपीज मिले करेंगे प्रॉफिट के। तो अब क्या है कि अब इन्होंने जो है 45 से अब ये किस पे आ गए हैं, 30 पे आ गए हैं। 15 रुपए का तो इनको क्या हुआ, लॉस हुआ ना, यानी कि इन्होंने अपना हिस्सा जो है किसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है, कि जो न्यू पार्टनर आया उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो के दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं कि एक तो नया पार्टनर आता है तब जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और जो मतलब कि जो हमारा पार्टनर है, जो नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से जो ओल्ड पार्टनर है उनको अपने हिस्से में कमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो रेफर्स टू द रेशियो, यानी कि वो रेशियो है इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर। वो अपना जो पार्ट है वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट का, वो पार्ट सेक्रीफाइस किसके फेवर में करते हैं, न्यू पार्टनर के फेवर में कर रही है। ठीक है, अब जो है ये नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन होती है, न्यू रेशियो भी गिवन होती है, और क्या है इसमें, सेक्रीफाइस रेशियो रिड्यूसेस द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा तो उससे क्या है कि जो पुराने पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनके हिस्से में क्या आएगी, कमी आएगी। देखो 45 कहाँ मिल रहे थे, अब कहाँ मिलेंगे 30, तो 15 रुपए से उनके हिस्से में कमी आ गई ना। अब आगे तो छोटा सा एग्जांपल है, कितना सारा प्रॉफिट जो है नए हिस्से के, नए पार्टनर के हिस्से में ट्रांसफर हो जाता है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, कुछ पार्टनर्स काम कर रहे थे, या उनकी डेथ हो गई या वो रिटायरमेंट लेके वहां से चले गए। ठीक है, अब अगर वो रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर है वही अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे ना। तो यानी कि जो पुराना पार्टनर जो है, जो रिटायरमेंट लेके जा रहा है, अब वो जो बाकी जो उसका हिस्सा है वो भी तो वो नए मतलब पुराने पार्टनर्स लेंगे। अब देखो कि ए बी सी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तीन लोग काम कर रहे थे, 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, तो 30-30 वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब मान लो बी ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ठीक है, तो अब ये दोनों कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 45-45, तो अब इनका हिस्सा क्या हो गया, बढ़ गया ना। इट इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब है कि यहाँ पे जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है तो वो अब उसका हिस्सा भी किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। यानी कि अब ये डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पे ये कैलकुलेट की जाती है, और जो इसका फॉर्मूला है बस हमें उसको थोड़ा रिवर्स कर देना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है ना। अब इसमें क्या है, न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा जो है गेनिंग रेशियो निकल जाती है। और गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अब काम करेंगे, रिटायरमेंट वाला तो रिटायरमेंट लेके चला गया, तो जो बचे हुए पार्टनर है उनका हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रॉफिट्स का। तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जब एक पार्टनर जो है एक फॉर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके गुडविल की हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। अब गुडविल क्या है, अब गुडविल ना जो सारे पार्टनर्स है वो मिलके एफर्ट्स करते हैं अपने बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए, अपनी अच्छी सर्विसेज देते हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब गुडविल में अब उसको हिस्सा दिया जाए या ना दिया जाए, अब बात ये आती है। अब देखो कि जो हमारा जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो उसने भी तो अपने एफर्ट्स किए होंगे, तो जिसकी वजह से हमें जो है आज की डेट में भी प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो रहा है और इन फ्यूचर भी हमें प्रॉफिट लगातार अर्न होता रहेगा। ठीक है, तो वो एज अ कंपनसेशन वो क्या चाहता है हमारी फॉर्म से, एक गुडविल की अमाउंट चाहता है वो। ठीक है, तो गुडविल की अमाउंट हमें उसको देनी पड़ती है। देगा कौन, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है वो उसको गुडविल की अमाउंट देते हैं। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर्स अगर गुडविल की अमाउंट उसको देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, उसको तो किया जाएगा
डेबिट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, जो हमारी फॉर्म में अभी भी है, और जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, तो उसको कहाँ पे दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी के अकाउंट में कुछ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं। अब इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जब हम क्रेडिट करते हैं तो उसके साथ टू का यूज करते हैं, टू रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब लेकिन ये करना कौन सी रेशो में है, गेनिंग रेशो में, क्योंकि जितना उन्होंने ओल्ड पार्टनर से ने गेन किया है ना उसकी वजह से, तो वो गेनिंग रेशो में ही लेगा उससे। अब देखो पी क्यू और आर हमारे पास थ्री इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। थ्री इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है, इनकी रेशो क्या होगी, वन रेशो वन होगी। कौन रिटायर हो रहा है, जो आर है वो रिटायर हो रहा है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म, जो पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितने की है, ₹3,60,000 की है। बुक्स के अंदर कोई गुडविल नहीं है, क्योंकि अगर बुक्स के अंदर गुडविल होती तो जितने भी हमारे पार्टनर्स होते और जो पार्टनर्स है उनको रिटर्न ऑफ करनी पड़ती, लेकिन बुक्स के अंदर कोई गुडविल नहीं है। जो पी और क्यू है वो अपना फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो 3:2 में अर्न करेंगे। तो अब आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो क्या है, 3/5 है ना, तो अगर हमें पी की निकालनी है, न्यू रेशो क्या है, 3/5 कहाँ से आया, यहाँ पे 3+2 कर दे, 3/5 आ गया, -1/3 कहाँ से आया। अब यहाँ पे देखो 1:1 है, 1+1+1 तीनों को ऐड कर देंगे, ऊपर लिखा हमने पी का, नीचे हमने जो है टोटल लिख दिया 1/3। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आया 4/15। आगे क्या है, क्यों ने कितना गेन किया है, अभी क्यों की दे रखी है 2/5, ये न्यू रेशो है, माइनस कर देंगे क्यों की रेशो कितनी है, 1/3 माइनस कर दिया तो 1/15 आ गया, तो रेशो आ गई 4:1 आ गई, ठीक है। ये हमारी गेनिंग रेशो है। अब बात आई कि यहाँ पे 1,20,000 कैसे आई है, हमारी पूरी फॉर्म की गुडविल है कितनी है, 3,60,000। अब इसमें से जो है आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा है 1/3, तो 1/3 किया तो कितना आया हमारे पास, 1,20,000 आया। तो 1,20,000 तो मिलेंगे किसको, मिलेंगे गुडविल के जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है आर को मिलेंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। देगा कौन, ये जो हमारे जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो देंगे। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन से बचे, फिर आर तो चला ही गया, तो पी और क्यू बचे, तो पी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे, क्यू का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। रेशो क्या हमारे पास, 4:1 है, तो 1,20,000 का 4/5 करते हैं, तो अगर हम इसको काटेंगे, कट करते हैं, तो 24,000 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करी 96,000 आया। इसी तरीके से 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि व्हेन द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, कि जब गुड्स के अंदर पहले ही जो गुडविल की अमाउंट है वो पहले ही एग्जिस्ट करती है। पहले वाले केस में तो हमने ये सीखा था कि यहाँ पे जो गुडविल है वो हमें कंपनसेट करनी है, किसको कंपनसेट करनी है, कि जो कि रिटायर होकर जो पार्टनर जा रहा है। अब जो है गुडविल हमारी बुक्स में पहले से ही है, अगर गुडविल हमारी बुक्स में पहले से ही है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो जो पार्टनर जा भी रहा है ना तो उसको भी इसमें क्या करना पड़ेगी, अपनी पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। हम उसको रिटर्न ऑफ कौन सी रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो के अंदर हम उसको कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या हमने किया था कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे टू गुडविल अकाउंट, लेकिन इसमें क्या आएगा, ओल्ड की जगह ओल्ड, सारे के सारे जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है वो भी। अब इसमें क्या है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ, जो हमारी बुक्स के अंदर है उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। एबीसी हमारी फॉर्म के अंदर तीन पार्टनर है जो कि 3:2:1 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स। अब गुडविल जो है बुक्स के अंदर कितने की दे रखी है आपको, 30,000 की दे रखी है। बी रिटायर्स, अब आगे क्या है, बी रिटायर्स, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब ये जो किसकी रेशो है, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। तो जो बी है वो रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे बी रिटायर हो गया अगर, एंड द ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट, बी की रिटायरमेंट वाले दिन जो है गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल कितने की वैल्यू की गई है, 90,000 की, ठीक है। अब गुडविल कितने की वैल्यू निकाली गई है, 90,000 की। ए और सी जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट और लॉस जो वो 3:2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब पहले तो क्या था, 3:2:1 ये किसकी थी, ए की, बी की और सी की। अब जो बी रिटायर होके जा रहा है तो उन्होंने डिसाइड किया ए और सी ने कि हम अपनी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 में डिस्कस, मतलब बांट लेंगे आपस में। फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, ए की
3/5, 3 और 2 को ऐड कर देंगे 3/5 आ गया, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है 3/6, यानी कि 3 + 2 + 1, ठीक है 3/6 आ गए यहाँ पे। तो हमने एलसीएम बीएस का आंसर आया हमारे पास 3/30, सी का कितना आया हमारे पास 2/5 - 1/6, तो हमारा आंसर आया इसमें 7/30, तो 3:7 क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारी गेनिंग रेशो, ठीक है। आगे जो है हमारी बुक्स के अंदर जो पड़ी है गुडविल, वो कितने की है 30,000 की है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये बुक्स के अंदर है ये 30,000 की, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारी क्या दे रखी है 3:2:1, तो 30,000 का अगर हम करते हैं ये कैसे आया हमारे पास 15,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 30,000 डिवाइड बाय 1/6, ये इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ये तो हमने करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब बात आती है कि बी के रिटायरमेंट वाले दिन जो है, बी के मतलब रिटायरमेंट वाले दिन, उस दिन जो है गुडविल कितनी वैल्यू करी गई है हमारे बुक्स में, वो है 90,000 की। अब बी का हिस्सा कितना है 90,000 में से, बी का हिस्सा कितना है हमारे पास 2/6, अब यहाँ पे 2/6 कैसे आया ये है ना बी की, तो 2/6 हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, 3 + 2 + 1 कितना आता है नीचे 6, इसलिए लिखा है हमने, तो इसकी वैल्यू आई 30,000। अब ये 30,000 किसको मिलेगी, जो हमारा रिटायर होके जो पार्टनर जा रहा है उसको मिलेगी ना, रिटायर होके कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से 30,000 के अमाउंट से कर दिया हमने। और जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन से, ए और सी हुआ, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे कौन सी रेशो में, जो हमारी गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो हमारी कितनी आई है यहाँ पे 3:7, ठीक है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 किया हमने यहाँ पे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 3/10 क्यों किया, 3 + 7 कितने होते हैं हमारे पास 10 होते हैं, और अगर हम जो है वो तो हमारे पास आ गया 9,000, और अगर हम करते हैं 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10 तो हमारे पास आ जाएगा 21,000। तो जो है ये इतना इतना हिस्सा जो है इसको गुडविल के नाम का यहाँ पे देंगे। तो यहाँ तक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स, ठीक है। कि अगर हमारे पास इकट्ठे हुए काफी सारे रिजर्व्स पड़े हैं, काफी सारे प्रॉफिट और लॉस पड़े हैं, तो हम उनका क्या करें, और जो पार्टनर है वो रिटायर होकर हमारे बिजनेस से जा रहा होता है, ठीक है, तो अब हमें उनका करना क्या है। तो जब तक की रिटायरमेंट जब तक की नहीं होती ना, तो उस डेट तक का हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लॉस निकाल लेते हैं, या फिर कोई रिजर्व पड़े हैं वो हम सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। लेकिन कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, चाहे आपके क्वेश्चन में गेनिंग रेशो दी हो, चाहे सेक्रीफाइस रेशो दी हो, चाहे न्यू रेशो दी हो, हमें किसी को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। चाहे किसी भी टाइप का कोई रिजर्व हो या प्रॉफिट और लॉस हो, हमें क्या करना है सिर्फ ओल्ड रेशो में सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स है ना, चाहे कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा हो या किसी की डेथ हो रही हो, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। अगर सबसे पहले हमारे पास है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, जैसे जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में अगर आ जाए, रिजर्व फंड आ जाए, प्रॉफिट और लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए, ये बात ध्यान रखनी है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, लेकिन जो डेबिट बैलेंस है पी एंड एल का वो क्या है लॉस होता है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस को आपको कंसिडर इसमें करना है, क्रेडिट बैलेंस को, ठीक है, वो ही, क्योंकि क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो हम इनको तो क्या कर देंगे डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि अगर पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ अमाउंट जाती है तो हम उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ निकलवाते हैं तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो हमारे लॉसेज है उनको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया अगर पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अगर हम उसके अकाउंट से कुछ निकलवाते हैं तो वो क्या हो जाता है डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्या है टू प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस क्या होता है लॉस, कौन सी रेशो में करेंगे ओल्ड रेशो में। आगे क्या है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड, सरप्लस का मतलब है ज्यादा, ठीक है, क्या है ज्यादा या एक्सेस हम इसको कह सकते हैं, कि अगर हमने कोई भी फंड बनाया है, कोई स्पेसिफिक फंड बनाया है हमने इसके लिए, लेकिन हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, मान लो हमने 1,00,000 रुपए का फंड बनाया है, हमें जरूरत पड़ी सिर्फ उसमें से 30,000 रुपए की, तो 70,000 तो अभी भी बच गए ना, तो 70,000 जो बच गए हैं एक्स्ट्रा वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये वही वाला रूल अप्लाई हो जाता है ये प्रॉफिट्स वाला।
वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। मैंने आपको पहले बताया था सब कुछ क्या होगा, ओल्ड रेशो में हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का। तो ये आपका यहीं पे कंप्लीट है। तो यहां तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम हिडन गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसका नेम क्या है? हिडन गुडविल। कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके जो नॉमिनी होता है उसको हम जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देते हैं। उसके सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसका जितना एक लमसम अमाउंट बनती है ना, हम उसको वो पे कर देते हैं, उससे बल्कि ज्यादा ही पे कर देते हैं जितनी उसकी अमाउंट बनती है। मान लो हमने उस पर्सन को 1,00,000 रुपए देने हैं उस पार्टनर को, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो हम उसको 1,20,000 रुपए दे देते हैं। तो 20,000 रुपए जो फालतू दिए हैं हमने, वो किस चीज के एक्स्ट्रा? वो है गुडविल के नाम के। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई हिडन गुडविल जो है रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कैलकुलेट करनी है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? हम मान लो कि इसके अंदर 3 पार्टनर्स काम कर रहे थे, उसके अंदर से एक पार्टनर चला गया। ठीक है, अगर वो चला गया तो वो अपने हिस्से की गुडविल देगा, तो हमने उसको एडजस्टमेंट हम इसमें किस तरीके से करते हैं हिडन गुडविल की, कि हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करेंगे। अब एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने पे करी वो क्या है? हिडन गुडविल। अब उसको जो है उसका जो लॉस है वो कौन पेयर करेगा? हमने तो उसको पार्टनर को एक्स्ट्रा दे दिया ना। अब जो है जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, अब उसके जाने से, उस पार्टनर के जाने से बाकी जो बचे पार्टनर है उनका तो प्रॉफिट क्या होगा? इन फ्यूचर बढ़ेगा, उनको तो गेन होगा, तो गेनिंग रेशियो में वो उसको देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट। अब आगे इसमें क्वेश्चन क्या है? ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर है, वो प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे हैं 1:2:3 में। सी रिटायर हो रहा है एंड इस कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली रिजर्व और प्रॉफिट की, प्रॉफिट और रिवेल्यूशन, जो रिवेल्यूशन के ऊपर हमें प्रॉफिट होता है उसकी सारी एडजस्टमेंट कर ली, उसकी कैपिटल बनती है 1,20,000 की, 1,20,000 की। लेकिन ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि हम उसको कितने पे करेंगे? 1,50,000 बने थे कितने उसके? 1,20,000 पे कितने कर रहे हैं? 1,50,000 1,50,000 पे करे, 1,20,000 उसके बने थे, जो 30,000 है वो किस चीज के है? वो किस चीज के है? वो हिडन गुडविल के है इन फुल सेटलमेंट ऑफिस क्लेम। आगे जो नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है गुडविल की, न्यू पीएसआर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 1:3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे ए ने कितना गेन किया, बी ने कितना किया। अब जो ए की जो है वो ओल्ड रेशियो कितनी है? 1:2:3 है। ठीक है, ये तो है ए बी सी की ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो जो है वो है 1:3। अब ए ने कितना गेन किया? अब गेनिंग रेशियो हमें निकाल लिए, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है और ये हमारे पास न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो में से हमने ओल्ड रेशियो माइनस करनी है। तो न्यू रेशियो ए की क्या है? 1/4 है। माइनस करेंगे इसकी ओल्ड रेशियो 1/6, यानी कि हमें इन सभी को क्या करना है? ऐड करना। 1+3 को ऐड किया 4 आया, 1+2+3 को ऐड किया 6 आया। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, 1/12 आया। इसी तरीके से बी का गेन निकाल लेंगे, 3/4 - 2/6 हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना आया? 5/12। अब देखो कि अमाउंट उसने फुल सेटलमेंट में उसने पे कितनी करी है? 1,50,000 बनी कितनी थी उसकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद? 1,20,000। तो हिडन गुडविल कितनी की है? 30,000 की। अब जो रिटायर हो गया जो पार्टनर जा रहा है उसके तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। देगा कौन? ए और बी देंगे ना, जो बचे हुए पार्टनर है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है? 30,000। जो गुडविल है वो कौन सी रेशो में हमने देनी है? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो हमारे पास क्या है? 1/1:5 है। ठीक है, तो 30,000 का अगर हम करेंगे यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो 5,000 आ जाएगा। अगर 30,000 का हम लोग करेंगे यहाँ पे जो है 5/6 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25,000। तो इस तरीके से हिडन गुडविल की हम सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हिडन गुडविल वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ तक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का। कि अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है यानी कि जो उसका नॉमिनी होता है तो उसको कितनी अमाउंट उसको पे की जाती है। ठीक है, अब जब तक वो जो पार्टनर है वो हमारे बिजनेस में काम करता रहा, ठीक है, उसकी डेथ से पहले, तो उसको काफी सारे जो है प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसकी कैपिटल कोई क्रेडिट बैलेंस भी होगा। क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो उसका पॉजिटिव बैलेंस होता है, यानी कितना बैलेंस उसके अकाउंट में होता है तो वो भी उसको मिलेगा। ठीक है, अगर उसने जो कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी होगी उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलता होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह भी मिलते होंगे।
अब जितने टाइम पीरियड तक उसने काम किया है उतना तक उसका जो है प्रॉफिट का जो हिस्सा बनता है वो भी उसको मिलेगा, गुडविल में भी उसको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं कि जो कि पार्टनर ने करे होते तो वो उसके अकाउंट से क्या कर दिए जाते हैं, डेबिट कर दिए जाते हैं। अब मान लो कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया तो वो माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट जो है रिवेल्यूशन पे प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो गया वो माइनस कर दिया जाएगा। अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे थे तो यानी ड्रॉइंग करी थी उसने तो वो उसमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अगर केस आता है उसके अंदर तो वो भी माइनस किया जाएगा। तो बाकी जो फिर बचा हुआ जो बैलेंस है सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद कि जितना उसको देना आया है हमारी फॉर्म का और जितना हमने उसको देना है, ठीक है। अब मान लो कि उसका तो जो खर्चा आया है वो तो आया है 200 रुपीज, ठीक है। लेकिन हमारी फॉर्म को देना कितना आया था कि उसको ये चीजें देनी है तो उसको आया था हमारी फॉर्म को देना 500 रुपीज। 500 में से 200 तो उसके वहां कट गए, 200 तो कट गए कि उसको ये चीजें देनी है वापस हमारी फॉर्म को, लॉसेस वगैरह हो गए। तो अब हमें उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे उसके एग्जीक्यूटर को, 300 रुपीज। तो यही वाला केस है बस इसके अंदर कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से अमाउंट है जिसके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके कैपिटल पे, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसकी डेट तक का, उसकी डेट की डेट तक का जितना भी बनता है इंटरेस्ट वो दिया जाएगा। उनका जो क्रेडिट बैलेंस है उनकी कैपिटल का वो, उसका गुडविल में जितना भी हिस्सा है वो भी दिया जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व में उसका हिस्सा, रिवेल्यूशन के प्रॉफिट में उसका हिस्सा, और जो प्रॉफिट जो है रेगुलर बेसिस पे जो होता है उसकी डेप्थ तक का जितना भी बनता है वो सब उसको दिया जाएगा। अब उसके अकाउंट से डेबिट कौन सी चीज कर ली जाएगी, ड्रॉइंग उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, अगर लॉस हो जाता है रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज पे और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तो अगर मान लो लॉस होता है तो उसमें उसका हिस्सा। अब ये देखो कि सारी एडजस्टमेंट सबसे पहले जो डिसीज पार्टनर यानी जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके अकाउंट में हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आगे क्या करते हैं, उसके अकाउंट से जो बैलेंस जो हमारा बचता है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटर यानी कि उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब वो आगे उसके नॉमिनी की मर्जी है कि वो कितने दिनों के बाद पेमेंट लेता है, विद इंटरेस्ट के साथ 6% इंटरेस्ट के साथ लेता है या नहीं लेता है। अब आगे इसकी कैलकुलेशन कितने कैसे की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी कि जब तक उस पार्टनर की डेथ नहीं होती उसकी डेट तक के प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है किस बेसिस पे किया जाता है, टाइम बेसिस पे कि वो कितने टाइम पीरियड तक पार्टनर रहा है और टर्नओवर और सेल्स बेसिस यानी कि उसके बिजनेस में कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। तो इस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले जो है टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, इसकी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कि जब तक उस पार्टनर की डेथ होती है, जैसे जो हमारा अकाउंटिंग ईयर जब से स्टार्ट होता है और देखेंगे कि उस पार्टनर की डेथ कब हुई है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड तक का हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो इसमें ए बी सी हमारे पास तीन पार्टनर है, उनकी जो बुक्स है वो क्लोज होती है 31 मार्च को हर साल, ठीक है। ए डाइड ऑन 30th June 2019। अब जो है 31 मार्च को बुक्स जो है क्लोज हो जाती है यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती होगी, तो 30th जून को अब जो है 1 अप्रैल से लेकर 30th जून तक जो है 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। और टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड, हमें निकालना है इसका प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 सालों का 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का यहाँ लॉस है, लॉस है तो हम क्या कर देंगे माइनस, और 16,000 हमने सभी को ऐड कर लिया, कितना है 54,000 डिवाइड कर देंगे हम 5 से क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 5 सालों का है ना, तो डिवाइड करके हमारे पास आया 10,800 हमारे पास आ गया। अब ये जो 10,800 है ये 3 महीने का प्रॉफिट है लेकिन है तो पूरी फॉर्म का ना, अब हमें तो किसका निकालना है, अब हमें तो निकालना है उसका जो हमारा, अब यहाँ पे हम 3 मंथ्स का पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है। अब 1 अप्रैल 2019 से 30th जून तक का हम निकालेंगे 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3/12 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 3 महीने का प्रॉफिट है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3/12 कर दिया, कितना है 2,700। अब 2,700 में से भी हम देखेंगे कि यहाँ पे ए का कितना है, ठीक है। अब ए जो है उसकी ए डाइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अब यानी कि अब इसमें बाकी कोई रेशो नहीं दे रखी, अब कोई रेशो दे ही नहीं रखी, तो यानी वो इक्वली अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे, तो 1:1 क्योंकि 3 पार्टनर थे तो 1/3 क्योंकि हमने इन तीनों को एड कर लिया। तो अब देखो जो 2,700 मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया तो हमारे पास कितना आया 900। अभी
900 जो है वो किसको मिलेगा, एके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव बैलेंस यानी उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को, 900 से 900 से। तो ये तो है टाइम बेसिस पे। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है इसके सेल्स बेसिस का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑन द सेल बेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीज पार्टनर की हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। हमें देखते हैं कि यहाँ पे पिछले साल फर्म की सेल कितनी थी, इस साल जो है फर्म की सेल कितनी है और जो प्रॉफिट्स है वो कितनी है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। ए बी और सी हमारे पास तीन पार्टनर है वो जो कि 3:2:1 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, और सी की जो है सी डाइज ऑन 30 जून 2018। अब सी की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 में, यानी कि 31 मार्च को क्या होते हैं अकाउंट्स क्लोज होते हैं, 30 जून को आगे उसकी जो है डेथ हो गई, यानी कि 3 महीने का हमें उसका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब आगे दे रखा है अमाउंटेड टू 6 लाख, ये क्या है, सेल दे रखी है आपकी, ठीक है। सेल कहाँ से कहाँ तक की है, 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018 अमाउंटेड टू 2,40,000, ठीक है। सेल्स जो है अब जो हमारी कितनी दे रखी है, इस साल की जो सेल है 31 मार्च 2018 की जो सेल है वो तो कितनी है, 6 लाख, और जो 1 अप्रैल 2018 से 30 जून उसकी डेथ तक की जो सेल निकाली है वो कितनी है, 2,40,000, ठीक है। और जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग जो 31 मार्च 2018 वाले, यानी कि जो पुराना प्रॉफिट है वो कितने का है, 30,000 का है। अब आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है डिसीज पार्टनर का। आप देखो प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से लेके हमने तो कब तक का निकालना है, 31 मार्च 2018 के बाद क्या है, 1 अप्रैल 2018 ना, 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018 तक का हमने निकालना है, किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। अब देखो अगर पिछले साल जो सेल्स थी 6 लाख थी, पिछले साल सेल कितनी थी, 6 लाख थी, तो प्रॉफिट कितने हुए थे फॉर्म को, तो प्रॉफिट हुए थे 30,000, ठीक है। अब इस साल जो है सेल अगर 2,40,000 है, ठीक है, तो हमारी फॉर्म को प्रॉफिट कितने होंगे, 30,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2,40,000 से, यानी कि हमारी फॉर्म को प्रॉफिट हुए हैं 12,000। अब जो है हमारा सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा कितना होगा, 12,000 में से मल्टीप्लाई किया 1/6 के साथ। 1/6 के साथ क्यों किया, क्योंकि ये ए की रेशियो है, ये बी की है, ये सी की है, यहाँ पे इसका हिस्सा 1 है और टोटल कितना है, 3+2 5, 5+1 6, तो इसलिए यहाँ पे 6 जो है टोटल दिया, तो इसका हिस्सा कितना आ गया, 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर है ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली यूनिट जो है यहीं पे कम्प्लीट होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपकी सीयूईटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी वैसे तो, और आपको आगे भी इसी तरीके के जो वीडियोस लेक्चर है ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।